हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सीएस एग्जीक्यूटिव में हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके बारे में ये सेक्शन है। एक्चुअली में ये पूरा चैप्टर नहीं है, ये एक टॉपिक है सिर्फ, और उसको उन्होंने एक चैप्टर की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको डिस्कस करके देख लेते हैं कि है क्या। बहुत छोटा सा टॉपिक ये हमारा मैगी नूडल टॉपिक है, ठीक है। आप मैगी बनाने रखेंगे उससे पहले आपका ये चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट। टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये एक्चुअली में बहुत ही क्वेश्चनेबल टॉपिक है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज भी तो पैसा कमाती हैं, तो यही तो पैसा कमाती है, कभी कभी तो लोग ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो इतना पैसा अर्न करती हैं, तो उनका कोई इनकम टैक्स का कुछ लॉ उनके ऊपर लगता है, या क्योंकि कानून पार्लियामेंट में बनता है तो उन्होंने अपने आप को इसे अलग रखा है, क्या सिचुएशन है? और पता है मीडिया में कहीं पे भी आप देखना, पब्लिक डोमेन में इस मैटर के ऊपर कोई खास डिस्कशन होता नहीं। ना ऑपोजिशन कभी इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दा रेज करती है, ना रूलिंग पार्टी इसमें कोई अमेंडमेंट की बात करती है। जो चला आ रहा है चलने दो, पब्लिक की नज़र में ये टॉपिक नहीं है, वो ज़्यादा बेटर है। और बहुत फालतू के टॉपिक्स होते ही हैं जो कभी भी मीडिया में चला दिए जाते हैं, तो दे हैव द टोटल कंट्रोल कि इस चीज़ को छुपा के कैसे रखना है। लेकिन हम सब जब पढ़ रहे हैं, यू नो, एजुकेशन का बेनिफिट यही है कि जो चीज़ है कानून में लिखी है, जो कहीं पे मेंशनड है, पढ़ते पढ़ते किसी के तो रेफरेंस में आएंगी। तो अनएजुकेटेड और इलिटरेट होना कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। क्योंकि इसके बारे में शायद ही आपने कभी इतने साल में बात सुनी भी होगी या की भी होगी कि पॉलिटिकल पार्टीज कितना इनकम टैक्स भरती हैं, या इनकी कौन सी इनकम टैक्सेबल है, या है भी या नहीं, इस बारे में कभी बात नहीं होती, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं सेक्शन 13 कैपिटल ए और 13 कैपिटल बी, दो सेक्शन हैं इनकम टैक्स में इस टॉपिक के रिगार्डिंग। सबसे पहले टॉपिक में बात हो रही है टैक्स एग्जेम्पशन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, अच्छा ये नहीं बोला है टैक्सेबिलिटी, ये बोल दिया सीधा टैक्स एग्जेम्पशन। देखें, ऐसा बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलो, जिसमें इंडियन सिटीजन्स एज अ मेंबर जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। आप देखते हो नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज बनी हुई हैं। छोटी रीजनल पार्टीज भी बहुत सारी है, ठीक है। तो अकाली दल है तो पंजाब में है, साउथ में है तो AIDMK है, DMK है, ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो स्टेट लेवल पे है। तो अलग अलग पार्टीज जो बनी है, वो ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा चलो पार्टी बना लेते हैं तो स्टार्ट कर दी। आपको एक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट होता है 1951 का, वो फॉलो करना पड़ता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाके अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाना पड़ता है, तब उसको एक लीगल जो है एंटिटी का सब्सटेंस मिलता है, या उसको उस कैटेगरी में काउंट किया जाता है। ये यहाँ पे बोल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स एज एन AOP देना होता है, ये भी बोला, बट कुछ एग्जेम्पशंस हैं। अब कुछ है या बहुत कुछ है वो आपको डिसाइड करना है। उनके हिसाब से तो कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जैसे पहला वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो इनके पास आते हैं। अब ये वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस में जो वॉल्यूंटरी वर्ड है ना, वो थोड़ा सा डिबेटेबल है कि कितनी बार वो कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन है ना डोनेशंस, लेकिन वो वॉल्यूंटरी नहीं होते, ठीक है। वॉल्यूंटरी नहीं होते उस हिसाब से कि कहीं ना कहीं एक फ़ोन कॉल जाता है और डिमांड आती है कि इतना पैसा भिजवा देना और बता देना कि हमने डोनेशन दिया है, और सामने वाले को देना ही पड़ता है। तो ऐसी सब चीज़ें भी होती है, या आपने सुनी होंगी कहीं ना कहीं, पर उसको ये लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, वॉल्यूंटरी डोनेशंस, ऐसा बोला जाता है। अब वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, थ्रू IUV सारी इनकम एग्जेम्प्ट। अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट। देखो पूरे के पूरे हेड उड़ा ले, डायरेक्ट हेड ऑफ इनकम जो अपने देखते हैं वही उड़ा दिया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट, मतलब ऐसा एग्जेम्प्शन हमें क्यों नहीं देते। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एग्जेम्प्ट। चलो, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट। पांच में से तीन हेड तो गए। आप सोचोगे नहीं नहीं यार, ईमानदार है बेचारे, बाकी के दो हेड में तो टैक्स भरते हैं, सैलरी तो इनकी होती ही नहीं है, इनको कौन सैलरी देता है। तो फोर्थ हेड भी गया। अच्छा, PGBP की इनकम है, उसमें टैक्सेबिलिटी रखी है। अब बिजनेस कितना करते हैं लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचती ना, तो बिजनेस इनकम भी इनकी ना के बराबर होती है। और अगर इनकी कोई इनकम PGBP में जाती भी हो, तो उसको ये लोग वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा के एग्जेम्प्ट करवा लेते हैं। आप ये बात समझ लो घुमा फिरा के, हार्डली पॉलिटिकल पार्टी कुछ टैक्स पे करती होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ करती है, मैंने उनके डेटाज नहीं चेक किए, लेकिन ये देख के तो ऐसा ही लगता है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे आप टैक्स नहीं भरोगे, अदर सोर्सेज पे आप टैक्स नहीं भरोगे, कैपिटल गेन आपको लगता नहीं। भाई क्यों नहीं लगता, जब आम आदमी को लगता है तो, मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, जब हमें लगता है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगना चाहिए ना। अगर मैं आज एक प्रॉपर्टी खरीद के उसके ऊपर रेंट कमा रहा हूँ
और उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा हूँ, तो वही चीज जब कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है तो उनको किस बात का एग्जेम्पशन। बट ऐसा है, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे ये एग्जेम्पशन दिया है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हम भी बहुत ईमानदार है, ऐसे ही नहीं एग्जेम्पशन लेके चले जाएंगे। जब एग्जेम्पशन ले रहे हैं तो उसके सामने हम भी कुछ कंडीशन पूरी कर रहे हैं, बट वो कंडीशन क्या उतना वर्थ इनफ है ये भी क्लियर करना जरूरी है। देखें, पहली कंडीशन ये है कि द पार्टी मस्ट कीप एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज वुड एनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू प्रॉपरली डिड्यूस द इनकम। डिड्यूस मतलब कंक्लूड करना, उस इनकम पे आना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए। आप समझ रहे हो ये कितनी बड़ी और कितनी कठिन कंडीशन है जिसका पालन करते करते बेचारे पॉलिटिकल पार्टी वाले परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सारे पढ़े लिखे भी नहीं होते ना। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 द पार्टी कीप्स एंड मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन हु हैव मेड सच कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसका मतलब अगर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कोई दे रहा है और ₹20,000 से ज़्यादा बड़े अमाउंट का वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कोई दे रहा है, तो उस पर्सन की डिटेल्स, नाम, एड्रेस, ये सब कुछ पार्टी को मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक बंदा आया जिससे इन्होंने ₹2 लाख की वसूली की, 2 करोड़ भी हो सकती है, 2 लाख रुपये की वसूली की, उसको डिवाइड कर दिया 15 अलग अलग पार्ट्स में, 15,000, 14,000, 19,000, 10,000 डिवाइड कर दिया, एंट्रियां दिखा दी कि इतना इतना डोनेशन आया, कॉन्ट्रीब्यूशन आया। अब क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 20,000 से नीचे है, एनोनिमस हो तो क्या फर्क पड़ता है, किसने दिया पता है, चलेगा, पता चल गया कंडीशन में कितनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, फिर बोला है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू इनके अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए। कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा, सवाल तो ये है। अच्छा, कोई भी डोनेशन अगर ये रिसीव कर रहे हैं और अगर वो ₹2,000 से ज़्यादा है तो फिर वो कैश में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर। वो हमने ऊपर गिफ्ट वाले में भी देखा था, डोनेशन वाले में भी देखा था, ATG में भी देखा था, गिफ्ट नहीं सॉरी डोनेशन में देखा था, सेम पॉइंट है, 2000 की लिमिट है। फिर रिटर्न फाइलिंग के लिए बोल रहे हैं 139(4)(b) जो है उसमें आपको रिटर्न फाइल करना होता है, और जो टाइम लिमिट है वो सेम रहती है 139(1) वाली। अब क्योंकि अकाउंट्स ऑडिट करवाना ज़रूरी है, डेडलाइन हो जाती है 30th September, अदरवाइज द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 13A विल नॉट बी गिवन। ठीक है, और क्या बोला है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम इफ टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ये कंडीशन सबके लिए होती है। ठीक है, और लास्ट पार्ट इस टॉपिक का, इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट का मतलब क्या है वो समझो। इन लोगों ने ये ट्रस्ट जो बनाया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से बनता है। इस ट्रस्ट का बेसिक इंटेंशन ये है कि जितना भी डोनेशन, जितना भी चंदा इनको कंट्रीब्यूशन मिले लोगों से, कंपनी से, इंडिविजुअल्स से, किसी से भी, उसका 95% पैसा इनको खर्च करना होता है और किसको पास ऑन करना होता है, टू द पॉलिटिकल पार्टीज ओनली। नाम ही है ना इलेक्टोरल ट्रस्ट, ठीक है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। तो ये पैसा जितना भी ये लोग डोनेशन लेते हैं ना, 95% इनको हर साल पॉलिटिकल पार्टीज को बांट देना होता है। ये कंडीशन यहाँ पे 13B में जो है बोली गई। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गए? ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, इनडायरेक्ट तरीका है पैसे लूटने का, भाई खुद कितना डोनेशन रिसीव करेंगे, इससे बेटर है इलेक्टोरल ट्रस्ट में आप जमा कर दो, वो लोग रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज को रेशियो के हिसाब से जैसे उनको ठीक लगेगा आगे कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली तो हो ही सकता है, तो पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा ये समझने वाली बात है। ठीक है, अगर 95% से कम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं लोग, नहीं देते पैसा आगे, तो फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट पे वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब 95% कॉन्ट्रीब्यूट कर दो तो 5% एग्जेम्प्ट है, 95% से कम कॉन्ट्रीब्यूट करो, सपोज आपने 83% कॉन्ट्रीब्यूट किया पर मिनिमम 95 तो करना ही था, तो जो बीच का 12% है ना वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, समझ आए? तो ये है आपका सेक्शन नंबर 13B। इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। और AOP BOI की तरह टैक्सेबल होते हैं ऐसा बोला है, इसका भी मैं अलग से एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, असेसमेंट ऑफ AOP BOI, टैक्सेशन ऑफ AOP BOI, तो उन पर टैक्स का रेट कितना लगता है वो हम उस टॉपिक के साथ ही कवर करेंगे जो अगले एक दो लेक्चर में मैं करवाने वाला हूँ। क्लियर, ठीक है, थैंक यू सो मच।